पाकिस्तान ने एक बार फिर यूएन के मंच से कश्मीर राग अलापा है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज ने सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। पाकिस्तान की तरफ से जब बहस के बीच जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया गया तो उन्होंने कहा कि वो ऐसी बेकार टिप्पणियों का जवाब नहीं देते। उनका कहना था कि ऐसी बातों का जवाब देना मतलब सुरक्षा परिषद का वक्त बर्बाद करना है और वो ऐसा नहीं करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों की रक्षा के माध्यम से प्रभावी बहुपक्षवाद पर खुली बहस में कंबोज ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। बता दें कि इस महीने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता रूस कर रहा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 24 अप्रैल को बहस की अध्यक्षता कर रहे थे, तभी संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने अपने बयान में जम्मू कश्मीर का जिक्र किया। इस पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी राजदूत कंबोज ने कहा कि अंत में इस सम्मानित मंच ने आज एक स्थायी प्रतिनिधि द्वारा कुछ बेकार की टिप्पणियां सुनी जो विशुद्ध रूप से अज्ञानता और विऔपनिवेशीकरण के बुनियादी तथ्यों पर समझ की कमी के कारण की गई। मैं उन टिप्पणियों का जवाब देकर इस परिषद का समय बर्बाद नहीं करूंगी। पाकिस्तान लगातार संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मंचों पर कश्मीर के मुद्दे को उठाता है, भले ही बैठकों में एजेंडा और चर्चा का विषय कुछ भी हो। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान रद्द कर भारत द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। हालांकि भारत साफ कर चुका है कि अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करना उसका आंतरिक मामला है। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर वास्तविकता को स्वीकार करने और भारत विरोधी सभी प्रचार बंद करने की सलाह दी है। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में उसके साथ सामान्य पड़ोसी वाले संबंध कायम करने की इच्छा रखता है। बता दें कि अगले महीने दिल्ली में SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक है। इसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके भारत दौरे से पहले पाकिस्तान ने एक बार फिर यूएन के मंच से कश्मीर राग अलापा है, जिसने पाकिस्तान की मंशा साफ कर दी है। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। टाइम्स नॉन भारत डिजिटल की रिपोर्ट।